बूढ़े पति पत्नी की दुख भरी कहानी। मेरा नाम प्रभात है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा ना बेटी ना नाती ना पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसीलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता है कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता तो देखता था कि दादी जी अपने कप कपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कप कपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे ही चेहरे पर देखकर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मेरा मन कई बार करता था कि मैं उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पांव वहीं पर थम जाते। मैं जब उन्हें देखता मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती। मैं अपने घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक संडे जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी का कुछ काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी मैं आपके लिए क्या करूं। उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहां आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है दादी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकते। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते ही रहा और न जाने कब मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाती। अब तो मुझे उनके इशारों की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है। दादाजी ने दादी की ओर इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आँखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों के प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह से मैं उसमें भीग गया। दोस्तों, इस कहानी से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तान है। ये आज के दौर की वास्तविकता है। इसीलिए आपसे विनती है, अपने घर और आस पड़ोस के बुजुर्गों को बहुत प्यार से साथ रखिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, उनको बस प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार की कहानियों के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।